सो व्हाट्स अप किड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं आज एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइना में चाइनीज़ ब्रांड है एक जोंगशेन, और जिन्होंने अपनी नई बाइक जो है रिवील की है। बाइक का जो नाम है टारो, और ये GP1 250R कुछ ऐसा नाम है इस बाइक का। और ये जो बाइक लॉन्च हो चुकी है चाइना में, इस बाइक की प्राइस अगर बात करें तो अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो इस बाइक की प्राइस रहेगी अराउंड 1,70,000 एक शोरूम प्राइस। और बहुत ही शानदार इस बाइक के लुक्स देखने को मिल रहे हैं। एप्रिलिया की RS V4 जो बाइक है, लगभग लगभग सिमिलर हमको जो इसके ओवरऑल लुक और डिज़ाइन देखने को मिलती है 1,70,000 में। अगर इंडिया में कभी लॉन्च हुई ना ये बाइक, और अदर ब्रांड के कंपैरिजन में देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है आने वाले टाइम पे, ट्विन सिलेंडर बाइक होगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस बाइक के जो फीचर स्पेसिफिकेशंस कवर करने वाले हैं, तो चलते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइक के ओवरऑल लुक और डिज़ाइन के बारे में। तो आपको फुल फेड बाइक देखने को मिलती है, मस्कुलर आपको इसमें टैंक देखने को मिलेगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि अगर हम देखें 250 cc सेगमेंट की बाइक में, तो ये जो फ्यूल टैंक है ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटा रख देते हैं। अगर मस्कुलर होता है तो काफ़ी ज़्यादा लुक्स अच्छे होते हैं और काफ़ी ब्रॉड बाइक लगती है देखने में। तो इस बाइक में मेरे को वो चीज़ लगी, वो कमी मुझे नहीं दिखी इस बाइक में। तो इसका फ्यूल टैंक जो है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा देखने को मिल रहा है। फ्रंट फेयरिंग की बात करें तो फ्रंट में हेडलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको जो है डुअल LED हेडलाइट मिलती है DRL लाइट्स के साथ में, जो कि वो लोग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और मुझे जहाँ तक कि सिमिलर लग रहा है एप्रिलिया की बाइक्स जो RS V4 है, तो इसके फ्रंट लुक जो है लगभग अगर हम देखें तो सेम देखने को मिलते हैं RS V4 जैसे। अगर आपको भी थोड़ा सी सिमिलरिटी लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कोई और ब्रांड की बाइक के साथ इसकी सिमिलरिटी लग रही है आपको बॉडी की, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस बाइक का जो लुक है कौन सी बाइक का सिमिलर देखने को जैसा लग रहा है। नेक्स्ट हम बात करें इस बाइक के टेल की, तो टेल भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा वाइड देखने को मिल रही है। थोड़ी सी फैट फैट दिख रही है ये बाइक 250 cc की। बाइक के इंजन की बात करें तो 249 cc का लिक्विड कूल ट्विन सिलेंडर इलेक्ट्रिक FI इंजन हमको इसमें देखने को मिलता है। पावर की बात करें तो 17 PS की मैक्सिमम पावर हमको देखने को मिलेगी इसमें, 16.5 Nm का पीक टॉर्क हमको इस बाइक से देखने को मिलेगा 6 स्पीड गियर मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ में। इसी के साथ में ये जो बाइक है हमको डुअल चैनल ABS के साथ में मिलेगी। फ्रंट में जो आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलेगा, रियर में सिंगल जो है आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन इस बाइक में नहीं देखने को मिलेंगे, टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन ही है। रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्वर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कंसोल सिस्टम, इसमें आपको फुल TFT कलर्ड कंसोल सिस्टम देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमको इस बाइक में मिलती है। इसी के साथ में हम बात करें इसके जो ओवरऑल वेट है, तो ड्राइव वेट इसका जो है अराउंड 150 किलोग्राम्स का है। तो बाइक के जो फीचर्स हैं वो भी बहुत ही बढ़िया हैं, सिर्फ USD इसमें हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज़ ये था आज का हमारा वीडियो। और इस बाइक में जो मेरे को सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई वो एक तो इस प्राइस लेवल पे 1,70,000 एक शोरूम प्राइस पे इस बाइक के जो लुक्स हैं वो बहुत ही शानदार मुझे लगे। काफ़ी ज़्यादा बल्की ये बाइक लगी, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर इसके लुक्स लगे, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी। इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें फुल TFT कलर्ड मिल रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में अगर कमी देखने को मिली है तो इसमें एक तो USD फॉक्स सस्पेंशन नहीं है। इसी के साथ में दूसरी कमी जो मुझे लगी है वो इंजन पावर की, इंजन पावर कम है 250 cc के अकॉर्डिंग। जब ट्विन सिलेंडर है तो 17 जो PS की पावर है और 16.5 जो हमको इससे मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, तो ये मेरे को जहाँ तक कम लगा। और अगर आपको इस बाइक में कोई चीज़ पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइड।